अब हमारे साथ बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता जसमेर रजाना और उनसे बात करते हैं। सर स्वागत है आपका। नमस्कार जी, स्वागत है आपका भी कंचन टीवी परिवार का। राजनाथ जी आज रैली करने सफीदों में आ रहे हैं, किस तरह का आपको उत्साह लगता है, किस तरह का फायदा मिलने वाला है बीजेपी को? बात है उत्साह वाली है, वो आपके सामने नजर आ रहा है कि हजारों की संख्या की भीड़ आपके सामने है। पूरे अलका स्पीदा के बेहतर गाँव से सभी 36 बिरादरी के लोग यहाँ पहुँचे हैं माननीय राजनाथ जी के स्वागत में। और जो 12 मई का चुनाव है लोकसभा का, उसके अंदर सफीदों विधानसभा से अकेले रमेश कौशिक जी कम से कम 80,000 वोटों से जीत कर निकल रहे हैं। कहा आप कहते हैं कि कार्यकर्ताओं में जोश है, समर्थकों में जोश है, तो विरोध की बात बीच बीच में कहां से आती है? कल जैसे मीडिया के द्वारा कहा गया था कि सिंगाणा और मुहाना के अंदर रमेश कौशिक का विरोध हुआ और उसी करके राजनाथ का जो दौरा था उसको स्थगित किया गया सिंगाणे मुहाने का। जी नहीं, स्थगित नहीं किया गया, प्रोग्राम राजनाथ जी का सफीदों के अंदर ही था, चेंज कोई नहीं किया गया कार्यक्रम। और बात विरोध वाली, ये विरोध वाली जो बात है ये तो कुछ विपक्षी दल हैं, विपक्षी दल के जो लोग हैं वो बीच में एक दो घुसाते हैं और वहीं से वीडियो वायरल करने का काम करते हैं, ये अपनी ओछी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। मतलब धरातल पे समर्थन है जनता का, जनता पसंद कर रही है या नेगलेक्ट कर रही है? जी बिल्कुल ही, आप देख रहे हैं सफीदों सफीदों ने पूरा जींद जिला, पूरा हरियाणा प्रदेश 10 की 10 लोकसभा की सीट आदरणीय मोदी जी के झोली में डालने का काम करेगा पूरा हरियाणा प्रदेश। जैसे आप भी डोर टू डोर कैंपेनिंग भी कर रहे हैं, हलकों में भी जा रहे हैं, तो किस तरह का उत्साह है वोटरों में बीजेपी को लेकर? बिल्कुल, बीजेपी को लेकर काफ़ी ही उत्साह है। आप किसी भी मोहल्ले में, गली में, कहीं भी जा रहे हो, अब मैंने बेहतर के बेहतर गाँव का दौरा डोर टू डोर किया है, तो मैं हर समाज के व्यक्ति से मिला, तो हर किस्म के व्यक्ति में मोदी जी के प्रति जबरदस्त उत्साह व लगन है। हुड्डा को किस तरह चुनौती के तौर पे देखते हैं? हुड्डा को कोई चुनौती नहीं मान रहे हम, क्योंकि पब्लिक यहाँ सोनीपत लोकसभा की नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश की पब्लिक जानती है। जब से वो पिछले 10 साल से मुख्यमंत्री थे हरियाणा प्रदेश के, किस प्रकार उन्होंने हमारे किसान भाइयों की जमीनों को कौड़ियों के भाव में छीनने का काम किया था, वो लोग सब समझ रहे हैं। और जब आप देखते थे कि हम रोहतक से आते थे तो लखन माजरा से आगे आते पीछे तो 24 फुट का रोड था, आगे आगे 12 फुट का रोड रह जाता था और वो भी टूटा फूटा जी। और नौकरियों में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। आज मनोहर लाल सरकार ने, आदरणीय मनोहर लाल जी ने पारदर्शिता के आधार पर जो वादा किया था आज आपके सामने है, वो निभा के दिखाया। रोहतक सोनीपत और जींद के साथ जो पक्षपात किया गया था, तो क्या जनता उसे भूल नहीं पाई है या आप भुलाने नहीं देना चाह रहे? नहीं, जनता ही नहीं भूल पाई है भाई साहब, आप देख रहे हैं किस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में भी 10 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी और सेंटर में भी सरकार थी कांग्रेस की, आपने देखा कि जींद को इतना अछूत मान लिया था कि इसको तो NCR में भी नहीं करवा सके वो। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद आदरणीय मनोहर लाल जी ने और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जींद, जिला जींद को NCR में करने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन टीवी से बात करने के लिए। थैंक यू। आंखों में सपने सजे हैं, उम्मीदें बनने लगी हैं, कदम बढ़ाकर मंजिल की ओर हम सब बढ़ने लगे हैं। जी जी आई नई डगर, सारी सोच नई है, तलाश अपनी खत्म यही है, अरमां है जितने भी सारे पूरे होने यही है। पूरे होंगे सारे सपने, हाँ सपने, हाँ सपने, हाँ सपने, जो अपने, जो अपने, जो अपने। International study with joy and fun together. Geeta Group of Institutions, Panipat. India today and world tomorrow. पूरे होंगे सारे सपने।